देखो हम कितने वैभवशाली हैं। तो राम जी हंसते हैं, हंसते हैं और कहते हैं जरा मेरा धनुष पढ़ लेना और उस शबक को संधान करके प्रत्यंचा चढ़ा दे, काट के गिरा देता है वो बाण कि पता ही नहीं चलता। तब मंदोदरी कहती है सब लोग बड़े लिंग है, देखा ना कोई भूकंप पाया ना कोई आंधी आई, फिर भी ये सब हो गया। जिसके एक बाण में इतनी ताकत है वो क्या नहीं कर सकते, हम क्या करना चाहिए। आप युद्ध नजदीक आ गया, जावर जी कहते हैं ना अपने घर और अंगद को भेजा जाए दूत बना के। राम जी कहते हैं अच्छी सोच, अंगद को बुलाया जाता है और राम जी पता क्या कहते हैं, कहते हैं हे अंगद तुम बहुत बुद्धिमान हो, शत्रु से वो बात जाके कहना जिसमें शत्रु का कल्याण हो। ये राम जी जैसा योद्धा ही ऐसी बात कह सकता है। जो युद्ध अपने अंतिम चरण में है और वो व्यक्ति अपने शत्रु का कल्याण चाहता है, ऐसा काम राम जी ही कर सकते हैं। अंगद जी जाते हैं, अंगद जी जब जाते हैं तो रावण उन्हें तरह तरह से समझाता है कि वो बहुत बड़ा योद्धा है, चीता के बारे में मुझे अच्छा से पता है, तुम कितने धार्मिक हो कि तुमने किसी और की स्त्री को चोरी किया है, तुम जैसे आदमी को तो डूब के मर जाना चाहिए। रावण भड़काता है कि तुम बाली के पुत्र हो, तुम्हारे साथ ये हुआ वो हुआ है। अंगद जी भी अपने बल का परिचय देते हैं, पैर को रख देते हैं, उठा के दिखाओ, सब थक जाते हैं, मेघनाद तक हार जाता है। जब रावण उठता है तब युद्ध शुरू होता है, दोनों सेनाओं के बीच युद्ध का उद्घोष हो जाता है। लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करते हैं, मेघनाद जाता है लक्ष्मण जी को मारने के लिए और लक्ष्मण जी पर वो शक्ति का अनुसंधान करता है और शक्ति से लक्ष्मण जी को अचेत अवस्था में पहुंचा देता है। लक्ष्मण जी गिर जाते हैं, मेघनाद लक्ष्मण को मार के चला जाता है। जलधारा फूट पड़ती है, विभीषण रास्ता बताते हैं, कहते हैं प्रभु लंका में एक वैद्य है जो लक्ष्मण के प्राण बचा सकता है। हनुमान जी जाते हैं, वैद्य नाम रुदन करता है तो हनुमान जी उससे उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं कि एक वैद्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए। खैर वैद्य आता है और कहता है कि संजीवनी बूटी चाहिए, सूर्योदय से पहले चाहिए। हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए, फिर एक बार मुसीबत में हनुमान जी काम आते हैं। सुबह होने को आया, लक्ष्मण जी अचेत पड़े हैं, रक्त बह रहा है, राम जी उनके शरीर के पास बैठ के लगातार आंसू उनके आंखों से आ रहा है और बीच बीच में बड़े करुणा करुणा भाव विवल होके लक्ष्मण लक्ष्मण कहते हैं। इस उम्मीद पर कि लक्ष्मण उठ के बैठ जाए और हिलाते हैं हिलाते हैं, बोलते मेरे भाई कुछ तो बोल।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय हनुमान जी की जय श्री बलिदानी विजय सिंह जी की जय राम की जय नमः पार्वती पतये नमः।